नमस्कार आप सभी को। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 का जो पेपर आया था पूरा उसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम सेट ए के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप जो भी आपका सेट हो उसमें मिला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पेपर का यहाँ पर उत्तर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक दिया हुआ है, उसका यहाँ पर अधिकतम नंबर दिया हुआ 100 नंबर का था, ठीक है। यानी 100 नंबर का यहाँ पर देख सकते हैं 2 घंटे में आपको आंसर की में भरना था, यानी ओमैथ सीट में 2 घंटे में आपको ओमैथ सीट भर देना था। कुल 32 पृष्ठ का यहाँ पर पेपर है, 100 नंबर का था, 2 घंटे का, ठीक है। ये सेट हम यहाँ पर सेट कोड ए की बात कर रहे हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन ध्यान से देखेंगे, जल्दी जल्दी हम बात कर लेंगे। सेट ए है, लेकिन आप प्रश्न से पूरा प्रश्न उत्तर हम दिखाएंगे, सिर्फ ए बी सी डी नहीं बताएंगे, प्रश्न उत्तर भी दिखाएंगे पूरा। इसलिए आप अपना कोई भी सेट हो उसे मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं 100 में से प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक था तो 100 अंक है, ठीक है। कोई माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ के तब ले जाइएगा, कोई भी इलीगल यानी कोई भी नकल सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, 14 सितंबर 1949 को। यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर ये होगा 14 सितंबर 1949 को। अगला अगर देखें कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, यहाँ पर कृतज्ञ होगा, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, कृतज्ञ शब्द का विलोम। उधो का लेना ना माधो का देना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अपने काम से काम रखना, अपने काम से काम रखना इसका उत्तर सही हो जाएगा। श्री राम के पिताजी का नाम दशरथ था, वाक्य किस प्रकार का है, यहाँ पर देख सकते हैं ये बी नंबर सही होगा, विधानवाचक वाक्य सही होगा। अगला यहाँ पर आता है महेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी हम हिंदी विषय की बात करें। यहाँ पर हिंदी जो पार्ट था उसमें ये है, ये भूतनाथ है, ठीक है। कई जगह श्रीपति का मिलेगा लेकिन ये सही उत्तर इसका भूतनाथ होगा, ठीक है, आप सभी देख लीजिएगा। 6वां प्रश्न है रामचरित मानस किसकी रचना है, तो रामचरित मानस देख सकते हैं सभी लोग जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का रचना है, जो सभी जगह मानस होता है, रामचरित मानस गोस्वामी तुलसीदास जी का है। अगला है 7वां प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है, पहला ही है आप सकुशल होंगे, ठीक है, आप मिला लीजिएगा। आपके में आपके जो भी आपका अगर 20 सेट रहा होगा तो आपके प्रश्न 7वां का 8वां 9वां 10वां अलग अलग में हो सकते हैं। 8वां प्रश्न आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नव नभ के नव विहान वृंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। अगला है अधिकरण कारक की विभक्ति, आपको पहले ही पता होगा कि सप्तमी अधिकरण मे पर होता है, तो यहाँ पर ये पहला वाला ऑप्शन होगा मे पर होगा। सही वर्तनी क्या है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ सही वर्तनी क्या है, इसका होगा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा, ऐतिहासिक सही वर्तनी है। अगला है प्रकाशित शब्द में प्रत्यय क्या है, तो प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है इत, यानी पहला वाला जो ऑप्शन है हमारा सही होगा इत प्रत्यय, ठीक है। इसके बाद अगला है धीरज शब्द का तद्भव तत्सम क्या होगा, धीरज शब्द का तत्सम क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं धीरज का धैर्य होगा, आप सभी को मालूम है धीरज का धैर्य होगा। अगला यहाँ पर 13वां प्रश्न आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, ये कौन से इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो दोस्तों पहला ही होगा हास्य रस, ठीक है। अगला है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, आप सभी को मालूम होगा नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात। लाल टमाटर बहुत स्वादिष्ट होते हैं विशेष है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि विशेषण तो 2 हैं, लाल और स्वादिष्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत जो है यह विशेष है, ठीक है, तो ये बहुत यानी डी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश आ गया, देख सकते हैं हमारा कि यहाँ 15 हिंदी आया, इसके बाद इंग्लिश आ गया। माई ब्रदर इज, यहाँ पर आर्टिकल का यूज होगा, माई ब्रदर इज एन आ जाएगा, तो यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा, एन एस डी ओ, ठीक है। और अगला है यहाँ पर 17वां नंबर कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, तो सही स्पेलिंग क्या होगी, सी नंबर होगी, देख सकते हैं ओ डबल पी ओ आर टी यू एन आई टी वाई, ये जो है हमारा सही होगा। अगला है पिक पिक द ऑड वर्ड आउट, यानी पिक्चर पिक्चर देख सकते हैं, और फिर इसमें अलग कौन सा चुनना है, पोर्ट्रेट और फोटो, कुल मिला के ये पिक्चर पोर्ट्रेट फोटो सभी जो होते हैं फ्रेम में होते हैं, यानी कुल मिला के डी वाला सही होगा, ठीक है। अगला है विच द प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन देख सकते हैं इनटू जो है ये प्रीपोजिशन है, बाकी जो ओल्ड है ये एंड है, ये वर्ड है जो लगते हैं ये इनटू जो है प्रीपोजिशन, तो 19 का 20 सही होगा इनटू। अगला 20 नंबर है द नाउन फ्रॉम द वर्ड प्रिजर्व, इसका जो है नाउन लिखिए तो यहाँ पर हो जाएगा इसका जो है प्रिजर्वेशन, ठीक है, ये डी नंबर का सही होगा, ठीक है, इस प्रकार से इसका डी नंबर सही होगा। अगला दिया हुआ है विच इज द फॉलोइंग इन द मीनिंगफुल सेंटेंस, कोई जो है अच्छा सा मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए तो इसका डी नंबर आएगा। हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, टाइम बहुत हो जाएगा, इसलिए हम आ चुके हैं यहाँ पर आई विल बाय ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर योर सेल्फ माई सेल्फ, आई विल बाय ए ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर माई सेल्फ, इस प्रकार से ये आ जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला है 22 नंबर है यहाँ पर द बॉय काट ए बिग फिश, ठीक है, लिखा हुआ द पॉजिटिव वॉइस द पॉजिटिव वॉइस ऑफ द एबो सेंटेंस, तो इस सेंटेंस का पॉजिटिव वॉइस क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा ए बिग फिश वॉज कॉट बाय द बॉय, ठीक है। अगला है यहाँ पर मीना सेट
जे आई डांसिंग, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, इसका सीधे बी नंबर हो जाएगा, मीना सेड दैट जे आई डांसिंग, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, माइंस नो वर्ड्स मीन्स, इसका मीन्स क्या होगा, ये जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन है टू स्पीक द वेरी, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ये वाला बड़ा वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। प्रोवाइड द एंटोनाउंस ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ सेंगुइन, इसका जो ये आएगा जो सी ऑप्शन है, यहाँ पर पेसिमेस्टिक लिखा हुआ है, ये सही होगा, ठीक है। यह जो है मैं अपने हिसाब से पूरा सही से चेक करके बता रहा हूँ, अच्छे से चेक कर लिया, लेकिन फिर भी कोई अगर मिस्टेक हो सकती है तो मैं इसके जो आंसर की ऑफिशियल आंसर की आएगी उसका दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अभी तक है वो बिल्कुल सही है। आप इससे अपना मिला सकते हैं कि आपका कितना नंबर आएगा परीक्षा में, पूरा आप एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं। अगला है 26 नंबर, डॉक्टर प्रभा आट्रे वाज लिमिनरी ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, तो इसका जो है सही होगा बी नंबर, ए प्रोमिनेंट पर्सन हु इंस्पायर अदर्स, ठीक है, यहाँ पर इसका हो जाएगा। देख सकते हैं इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी है, लेकिन आप देख सकते हैं जहाँ तक है यही सही होगा। अगला है गिव प्लूरल फॉर टेब्लू का, प्लूरल क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है और टेब्लक्स जो है इसका प्लूरल होगा, यहाँ पर सी नंबर सही है 27 का, ठीक है। अगला 28 नंबर आ जाता है, मैच करना है, ठीक है, तो जो ये डी ए डब्ल्यू डॉन लिखा है इसका होगा ईयरली मॉर्निंग, पहला का चौथा, दूसरा का डक का ये है, दूसरा का क्या होगा, यहाँ पर ट्वीलाइट होगा, तो इस प्रकार से आप मिलाएंगे तो दूसरा बी वाला सही आएगा। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी जो यहाँ पर फॉलोइंग ये शब्द दिए हुए हैं, वर्ड दिए हुए हैं, इससे हमको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो हमारा बी नंबर वाला सेंटेंस बढ़िया से आ जाएगा, ठीक है, इसको अगर हम सही से अरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे तो। अगला हमारा 30 नंबर आ रहा है, गिव वन वर्ड, ठीक है, इसका जो ये वाइट प्लांट ग्रोविंग वेयर इज नॉट वांटेड, तो इसका जो है आ जाएगा वीट, ठीक है, सी नंबर का इसका सही हो जाएगा वीट, आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं, ठीक है। अगला देख सकते हैं, हमारा अगला पार्ट आ चुका है, यानी 15-15 हिंदी अंग्रेजी सही हो चुका है, यहाँ पर पर्यावरण या सॉरी विज्ञान समझ सकते हैं, यहाँ पर सामान्य विज्ञान जो आता है। 30 नंबर, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो पराबैंगनी यूवी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है, यानी कि जो हमारा वायुमंडल में जो ओजोन परत होती है किस लेयर में होती है, अगर देखा जाए तो इसमें आधा अंग्रेजी आधा हिंदी शब्द दिए हुए, क्षोभ मंडल होता है, इसके बाद समताप मंडल होता है, इसके बाद आयन मंडल मध्यमंडल आयन मंडल आता है, तो यहाँ पर जो दूसरा वाला यहाँ पर यानी ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर जिसको समताप मंडल बोलते हैं, इसी में वो हमारा ओजोन परत होती है, इसी में जो हमारा पराबैंगनी किरणें होती है अल्ट्रावायलेट यूवी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें होती है वो छन जाती है, जमीन पृथ्वी तक नहीं आते। इसमें से कौन सा तत्व विश्व व्यावसायिक ऊर्जा का खपत का सबसे बड़ा स्रोत है, यह प्राकृतिक गैस है, ठीक है। अगला है यहाँ पर कौन सी औषधि चाय या कॉफी के पौधे के स्रोत से संबंधित है, यहाँ पर कैफीन होगा, ठीक है, कैफीन इसका उत्तर होगा। अगला, इनमें से किस वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया था, देख सकते हैं 1988 में संशोधन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक है, तो पौधे जैविक है, ठीक है। अगला है, निम्न में से किसको कई बार पुनर्चक्रित किया जा सकता है, तो इसमें एल्युमिनियम को किया जा सकता है। लकड़ी को प्लास्टिक को जला देंगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग कवर करती है, तो आपको मालूम है कि 71% पर पानी है और 29% पर जमीन है, तो यानी 30 यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, यहाँ पर संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो देख सकते इंडिया का रहता तो थार होता, लेकिन विश्व का है तो सहारा हो जाएगा हमारा, ठीक है, जिसका आंसर सी होगा सहारा। अगला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान, देख सकते हैं वायुमंडल में CO2 की मात्रा जो है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बी नंबर होगा 0.03%, ठीक है। अगला है, विश्व वानिकी दिवस किस महीने मनाया जाता है, तो मार्च को, शायद 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अगला है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, नर्मदा कहलाती है, देख सकते हैं। खगोली विद्या का वर्णन किस वेद में मिलता है, सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद, इसमें मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूत तंतु का, यानी यहाँ पर आता है जो यहाँ पर सोर्स ऑफ नेचुरल फाइबर का, प्राकृतिक स्रोत जो यानी नेचुरल फाइबर प्राकृतिक रेशम जो होता है वो नाइलोन नहीं, यहाँ पर नहीं पूछा है ना, ध्यान देने वाली बात है नहीं पूछा है, तो यहाँ पर कपास पटसन और रेशम ये सब प्राकृतिक है, नाइलोन जो है अरे यानी कि कृत्रिम है, आर्टिफिशियल बनाया जाता है, आर्टिफिशियल है, नॉट नेचुरल इज आर्टिफिशियल। श्वेत क्रांति संबंधित है, तो आपको मालूम है सफेद दूध होता है, दूध है सफेद श्वेत क्रांति। अगला है, प्रसिद्ध किला मदन महल कहाँ है, मदन महल रेलवे स्टेशन जबलपुर में है, देख सकते हैं वहीं पर मदन महल का किला है, ठीक है, आप जानते होंगे, बहुत आसान सा था। जली ग्रह के नाम से कौन सा जाना जाता है, आपको मालूम है सब लोग रहते हैं पृथ्वी पर। अगला है, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से मनिका बत्रा। एकलव्य अवार्ड खेल कौन सा, भैया मध्य प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश का जो टेस्ट है मध्य प्रदेश ही होगा इसका उत्तर। इसके बाद अगला है, भारत भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, भोपाल में है, आपको मालूम होगा भारत भवन आया तो आप भोपाल ही लगाइएगा। इसरो का पूरा नाम देख सकते हैं यहाँ पर, इंडियन स्पेस, यहाँ पर स्पेस लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टेशन लिखा हुआ है, स्टार्स लिखा हुआ है, कुल मिला के स्पेस वाला सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। साइकिल का आविष्कार किसने किया था, आपको मालूम होना चाहिए, मैकमिलन ने किया था।
भारत के पड़ोसी देशों में किसकी जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? बांग्लादेश की अधिक है। बंगाल के उधर बांग्लादेश है तो बहुत ज्यादा वहां पर जनसंख्या होती है। भारत के कुल क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? यहाँ पर 2% है। 2% यानी यहाँ पर 2.4 हो जाएगा इसका आंसर। आंसर भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। देख सकते हैं। सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता हाल ही में किस शहर को दी गई है? तो ग्वालियर। तानसेन का, तानसेन की जो नगरी है ग्वालियर, उसको सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता दी गई है। सरहुल नृत्य मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? यहाँ पर उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। रामगढ़ की रानी, रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो रानी अवंती की भाई रामगढ़ की रानी है, और झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई थी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। बधाई क्या है? बधाई बुंदेलखंड का लोकगीत है, जो सोहर भी बोलते हैं, जो बच्चे के जन्म के बाद गाया जाता है, बधाई देते हैं या सोहर गाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तारामंडल। ठीक है, सौर परिवार में हमारे सूर्य है और 8 ग्रह आते हैं, उपग्रह भी आते हैं, लेकिन तारामंडल नहीं आता, क्षुद्र ग्रह भी आ जाते हैं, धूमकेतु आ जाते हैं, जो बीच में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर? तो हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एड्स जो है कैसी बीमारी है? तो जीवाणु रहित नहीं है, ये विषाणु रहित बीमारी है। ठीक है, बाई वायरस लिखा हुआ है यहाँ पर। अगला है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? तो सदैव बराबर होता है। ठीक है, कभी कभी नहीं, सदैव बराबर होता है। अगला, बायोगैस में, बायोगैस का मुख्य क्या है? तो यहाँ पर मिथेन गैस निकलती है। ठीक है, सही हो जाएगा। मानव नेत्र द्वारा सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी जो पढ़ने के लिए वो 25 सेंटीमीटर सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है, भोर का तारा, सांझ का तारा जो कह सकते हैं इसको। कौन सा विद्युत का सुचालक है? देख सकते हैं, तांबा है। सूखी लकड़ी में विद्युत जाएगी नहीं, प्लास्टिक में नहीं जाएगी, कपड़ा में नहीं जाएगी, तो तांबा इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर देखें, जब धातुएं अम्लों में क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, हाइड्रोजन निकलती है। ठीक है, इसी प्रकार अगर देख सकते हैं, निम्न में से कौन से हवा शुद्धिकरण को प्रभावित करता है? जल स्रोतों का संरक्षण जो है हवा शुद्धि को प्रभावित करता है, बाकी कोई प्रभावित नहीं करते। मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। कटाई, छिड़काव, निराई करना नहीं कहलाती, जुताई यानी पहला नंबर ऑप्शन सही है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ वाहक क्या है? तो आपको मालूम होगा, एनोफिलीज मच्छर होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एनोफिलीज मच्छर। आवृत्ति की इकाई जो होती है GHZ होती है, यानी हर्ट्ज पर सेकंड होती है, यहाँ पर लिखा हुआ बी वाला ऑप्शन सही होगा। ध्वनि किसके माध्यम से संचरण करती है? केवल गैस, केवल ठोस, केवल तरल, तीनों सब में संचरण करती है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा जो भी है, सभी अवस्थाओं में संचरण करती है, डी ऑप्शन सही होगा। विभवांतर, परिपथ में विभवांतर किसके कारण उत्पन्न होता है? सेल या बैटरी के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पर आधारित है? विद्युत का रासायनिक प्रभाव पर आधारित है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है? तो युग्मनज कहलाती है। ठीक है, 7 रंगों का बैंड क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। अगला है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 अंश के कोण पर है तो किरण का आपतन कोण क्या होगा? तो यहाँ 45% होगा। दिखा हुआ सभी धातुएं ठोस होती हैं, तो इस धातु को छोड़कर, कौन सी धातु को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है पारा, पारा ठोस नहीं है, बाकी सभी धातुएं ठोस है। ठीक है, अगला है, निम्न में से, यहाँ पर देख सकते हैं गणित आ चुकी है, यहाँ से विज्ञान खत्म हो चुकी है, अब गणित आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा विषम संख्या का वर्ग है? यहाँ पर देख सकते हैं 1849 1849 एक विषम संख्या का वर्ग है। आपको मालूम होना चाहिए 2 2 4, यहाँ पर 6 6 36 और ये यहाँ पर सम है तो आएगा नहीं। इसके बाद यही है कि जो है विषम है तो विषम संख्या 3 3 9, 3 विषम संख्या। इसी प्रकार से पकड़ इकाई के अंक से पकड़ सकते हैं, 1849 विषम संख्या है, 81 का बी नंबर है। 4 सेंटीमीटर वाले, 82 नंबर का है 4 सेंटीमीटर वाले, एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है तो मूल घन और काटे हुए घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 1:4 होगा। एक्स का वह मान जो इस प्रश्न का उत्तर है, यानी कि 83 नंबर का जो उत्तर है आएगा बी नंबर 17/2। यहाँ पर लिखा है, वेरुणका अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 20% की छूट देती है और फिर भी 12% का लाभ कमाती है। 280 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु का लागत मूल्य बताइए। यहाँ पर लगा के नहीं बता रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम बहुत हो जाएगा, इसलिए आपको जल्दी से बता रहे हैं, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 200 रुपये। अगला दिया हुआ है, नीचे दिए हुए समलंब चतुर्भुज ABCD में एक्स का मान क्या होगा, जिसमें AB = CD यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका 80 अंश हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया हुआ है, एक्स का मान क्या होगा जब दी गई समीकरण को संतुष्ट करें। यहाँ पर एक्स का मान 1 आएगा 86 नंबर वाले में, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर यह लिखा है, X = 0.0016 स्क्वायर में 3/4, तो एक्स का बराबर क्या होगा? 0.08 आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है ये करड़ी जो दिया हुआ है, इसका कुल मिलाकर इसका उत्तर होगा 8.25, 88 नंबर का होगा। ठीक है, चित्र में ए का मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए POQ एक रेखा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 100 इधर आ गया है और यहाँ पर ए देखना है, तो सीधा सीधा 180 अंश होता है, तो 80 बचा 80 अंश, यानी 80 जो है ये सही हो जाएगा। 90 का है, 40 मीटर रस्सी को एक समान टुकड़े काटे जाते हैं, यदि एक टुकड़े की लंबाई 10/3 मीटर है तो ऐसे टुकड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर
12 आएगा, इसका सही उत्तर सी ऑप्शन 12। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, हमने सभी को चेक किया तो यहाँ पर 243 जो है पूर्ण घन नहीं है। यहाँ पर 92 नंबर आया है कि 90 रुपए का एक पेन खरीदा गया, 100 रुपए में बेच दिया गया तो कितने परसेंट का लाभ हुआ। बहुत लोग 10% लगा देंगे लेकिन 10% गलत है, 10% जो ऑप्शन है गलत है। सही जो है यहाँ पर सी नंबर 11, सही 1/9 जो प्रतिशत है सही होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है 93 नंबर प्रश्न है, आज से 15 वर्ष पश्चात रवि की आयु आयु आज की आयु से 4 गुनी होगी, बताइए रवि की आयु। तो यहाँ पर 5 वर्ष का उत्तर आएगा, 93 का ए 5 वर्ष उत्तर आएगा यहाँ पर। अगला है एक दीवार की लंबाई 15 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई, एक दीवार की लंबाई 15 मीटर एवं ऊंचाई 12 मीटर और 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई की जाती है, तो व्यय कितना आएगा। आपको सीधा सीधा कैलकुलेशन करना है, 15 करना है, 15 का इंटू करना है, 15 का इंटू 12 करना है, 12 का इंटू करना है, फिर 5 से जैसे इतना करेंगे 5 से इंटू करेंगे तो सीधे आ जाएगा हमारा 900 उत्तर आ जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार आता है 100 ml पानी में 100 ml पानी 1 लीटर दूध में मिलाया जाए, दूध का प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर बहुत लोग 10% लगा दिए लेकिन 10% नहीं होंगे क्योंकि वो मिलाने के बाद 1100 ml हो जाएगा। कितने ml हो जाएगा, 1100 ml हो जाएगा। तो 1100 ml में अगर हम 100 ml को देखेंगे तो आएगा 9.1/11 आएगा परसेंट, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। यदि राम ने श्याम को 25% अधिक लाभ पर लाभ प्राप्त किया तो श्याम को राम से कितने परसेंट कम लाभ प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर इसका उत्तर 20% आएगा। ठीक है, 25 और 20 का देख लेंगे, 20 × 5 = 100 होता है, 5 × 25 इस प्रकार से अच्छे से कैलकुलेट करेंगे 20 उत्तर आएगा 96 का। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर से दो संख्याओं का अंतर 4 है, उनके वर्गों का अंतर 104 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, 26 इसका उत्तर आ जाएगा। लगा देख सकते हैं लगा के, यदि एक बेलन का व्यास उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो बेलन का आयतन कितना होगा। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन दूसरा वाला ऑप्शन होगा, इसको हमने लगाया नहीं, आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, आंसर शीट से भी मिला लीजिएगा। यहाँ पर 99 का लगाया है, संख्याओं में 2/5, 1/10, 24/25, 3/7 में कौन सी संख्या अशांत दशमलव है। यहाँ पर 3/7 जो है अशांत दशमलव। यहाँ पर 100 नंबर में दिया हुआ है कि उपरोक्त त्रिभुज में एक्स का मान क्या होगा, सीधे 110 अंश इसमें मान होगा। हमने पूरा पेपर आपको दिखा दिया है, इस प्रकार से रहा। हम उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने से अपने पेपर से कोई भी सेट हो उससे मिला लेंगे, और मिलाने के बाद आप देख लेंगे कि आपके सेट में यह प्रश्न फंसा है कि नहीं फंसा। हालांकि सब में अल्टरनेट करके पहला का दूसरा दूसरा चौथा में ऐसे प्रश्न आया होगा, इससे आप अपना आंकड़ा लगा सकते हैं आप कितने नंबर पाएंगे और आपका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने आपको बता दिया उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 का आपको हमने पेपर सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।